परीक्षा जितनी प्रचलित है उतनी ही ज्यादा अफवाहें भी इसके साथ जुड़ी रहती हैं। और इस परीक्षा को लेकर एक अफवाह या मिथ कह सकते हैं जो अक्सर लोगों में फैलाया जाता है वो ये है कि इसके लिए काफी धन चाहिए, काफी मनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अपने सपने को पूरा नहीं कर पाने के पीछे जिसे सबसे बड़े अवरोध को देखते हैं वो यही है। दरअसल हम सिविल सर्विसेज की तैयारी को अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के समान ही देखते हैं, जिसके कारण ये अफवाह भी हमें सच लगने लगती है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्या कम खर्चे में भी आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है कम पैसों में कैसे करें यूपीएससी की तैयारी। तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है, अगर सही कैलकुलेशन किया जाए तो ये राशि 10 से 15 हजार के आसपास ठहरती है। चौंक गए, लेकिन ये सच है कि अगर आप सही प्लानिंग करें तो इतने ही पैसों में यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप हम कुछ पॉइंट्स बताने आपको जा रहे हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट इज घर पर रहकर पढ़ाई करें। तो आईएएस की तैयारी के दौरान एक महानगर जैसे कि दिल्ली में रहना खर्चीला साबित हो सकता है। इसके अलावा एक नए शहर की जो जीवन शैली है वो समय योजित करने और कोचिंग सेंटरों के कार्यक्रमों को अनुकूल पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको कोचिंग के कार्यक्रम के हिसाब से ही अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी होती है। आईएएस कोचिंग की फीस भी बहुत ज्यादा होती है, जो कि औसत परिवारों के छात्रों के लिए जुटा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खर्चा है भोजन और अन्य सुविधाओं का जो प्रबंधन, वो उन सब पे खर्चा। तो कई बार भार का भोजन स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाता है और आपकी तबीयत खराब होने की भी चांसेस रहते हैं। इसलिए अपने घर में ही कोशिश करें कि घर में आराम से अध्ययन करें और वहां कड़ी मेहनत करने के लिए अपने कमरे को ही सबसे अच्छी जगह बना लें। घर में आईएएस उम्मीदवार की एकमात्र जिम्मेदारी होती है और वे ये कि उसे अच्छी तरह ही पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। इसके अलावा इस तनावपूर्ण आईएएस की तैयारी के दौरान आवश्यक सभी नैतिक सहयोग परिवार और दोस्तों से उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट इज सभी रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ई लर्निंग उन सभी छात्रों के लिए एक वरदान है जो दिल्ली या किसी अन्य महानगर के खर्चे को उठा नहीं सकते हैं। तो आपके सभी प्रश्नों और समस्याओं के लिए ऑनलाइन जाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए और डिजिटल नोट्स बनाना सीखना चाहिए। इस प्रकार की पढ़ाई के लिए आपको केवल जरूरत है एक अच्छे लैपटॉप की या टैबलेट की या एक औसत गति वाले इंटरनेट कनेक्शन की। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्हें छात्रों द्वारा व्यापक रूप से अध्ययन सामग्री को समेकित करने और नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अखबार, सस्ता और सबसे प्रभावी स्रोत। तो स्वयं अध्ययन के दौरान अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न ये है कि महंगी अध्ययन सामग्री, नोट्स और पुस्तकें कैसे व्यवस्थित करें। तो इस प्रश्न का हल है कि अखबारों और सरकारी पत्रिकाओं को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जो कि एक सस्ता और कुशल स्रोत है, और जितना संभव हो उतना अपने पढ़ने की आदत में उन्हें शामिल कर लें। तो अखबार देश के हर कोने में उपलब्ध है और इसलिए देश में कहीं से भी आप तैयारी कर रहे छात्रों के लिए परीक्षा का एक स्तर बनाए रखता है। नेक्स्ट इज केवल आवश्यक पुस्तकें खरीदें। तो कई किताबें अब पीडीएफ प्रारूप में ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। फिर भी अगर खरीदना हो तो केवल जो प्रचलित किताबें हैं वो ही खरीदनी चाहिए, तथा एक सर्वत्र प्रचलित अध्ययन सामग्री और इन सब चीजों पर ही आपको निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट इज एक अच्छा अध्ययन समूह बनाइए। तो आजकल फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से बहुत ही आसानी से एक आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ढूंढा जा सकता है, तथा व्हाट्सएप की मदद से ऐसे अभ्यर्थियों का समूह भी बनाया जा सकता है, एक ग्रुप बनाया जा सकता है। तो किसी भी विषय पर चर्चा करने से उस विषय के बारे में जानकारी की वृद्धि होती है। तो चर्चा तथा वाद विवाद करने से किसी भी टॉपिक के बारे में उसके अनेक आयाम जो होते हैं, फैसेट्स होते हैं, वो सामने आ जाते हैं, जो कि आईएएस की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। तो सेल्फ स्टडी करने वाले छात्रों को प्रभावी ढंग से अपने समय का प्रबंधन करना होगा। आपको अनुशासित होना होगा, परीक्षण करना होगा, स्वयं बनाए गए नोट्स पढ़ने होंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो सीमित धन के साथ भी आईएएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशन हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।